सावन के महीने में अगर आपके घर में निकल आई चींटियां तो समझ लीजिए आपके घर में भोले बाबा आने वाले हैं। सावन के महीने में अगर घर में चींटियां दिख जाए तो समझिएगा कि आपके घर में साक्षात भोले बाबा पधारने वाले हैं। तो अगर अब आपके घर में चींटियां आ जाए तो भूल कर भी चींटियों को भगाने मत लग जाइएगा, क्योंकि जिन चींटियों को देखते ही आप डर जाते हैं और उन्हें भगाने के लिए तमाम उपाय करने लग जाते हैं, वही चींटियां आपके घर में सौभाग्य और माता लक्ष्मी के आने का संकेत देती हैं। पर ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे, ऐसा कहना है बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि चींटियां कैसे आपके भाग्य को बदल सकती है और आपकी जिंदगी में माता लक्ष्मी की कृपा ला सकती है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि नन्ही सी दिखने वाली ये चींटियां जितनी छोटी दिखती हैं इनकी खासियत उतनी ही बड़ी होती है। ऐसे तो चींटियों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, जैसे कि हमेशा साथ में रहना, मिलकर काम करना, मेहनत करना, कभी हार ना मानना। और तो और चींटियां 20 साल तक के जिंदा रह सकती हैं, तो ऐसे में ये आपके भाग्य का हाल भी बता सकती हैं। गुरुजी का कहना है कि अक्सर घरों में चींटियां काले और लाल रंग की देखी जा सकती हैं, जिनमें से काले रंग की चींटियां विष्णु भगवान का प्रतीक होती हैं और लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय होती हैं। अगर आपके घर में आपको साफ सफाई के बावजूद भी काले रंग की चींटियां दिखाई देती हैं तो बस समझ लीजिए कि आपके घर में विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। ऐसे ही अगर काली चींटियां आपको घर में गोल घेरे में दिखाई देती हैं, तो ये माता लक्ष्मी के घर में आने का प्रतीक होती हैं। इसके अलावा अगर तिजोरी के आसपास आपको चींटियां दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपकी तिजोरी पैसों से बहुत जल्द भरने वाली है। दोस्तों, वही काली चींटियों का दीवार पर ऊपर की तरफ चढ़ना आपकी तरक्की को दिखाता है, वही घर की छत पर चींटियों का होना आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आता है। के अलावा अगर काली चींटियां आपको दीवार से उतरती हुई दिखाई दे तो इसका मतलब ये होता है कि आपके घर में परेशानियां आने वाली है और ये चींटियां आपको सचेत करती हैं। इसी के साथ गुरुजी ने चींटियों से जुड़े हुए कुछ खास उपाय भी बताए हैं, जिनसे आप विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता को प्रसन्न कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि अगर आपको अपने घर में चींटियां दिखाई देती हैं और आप अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो नारियल के बुरादे में चीनी मिलाकर चींटियों को जरूर डालें। इसके अलावा जो लोग अपनी नौकरी में तरक्की करना चाहते हैं, अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, उन्हें बादाम के पाउडर में चीनी को पीसकर चींटियों को जरूर खिलाना चाहिए। इसके अलावा जिनका शुक्र कमजोर है या कुंडली में राहु केतु बैठे हुए हैं, उन्हें चींटियों को शुक्रवार के दिन खीर खिलानी चाहिए। जिनका शनि भारी है, जिनका सूर्य भारी है, उन्हें रविवार के दिन चींटियों को भुने हुए आटे में गुड़ मिलाकर जरूर खिलाना चाहिए। इसके अलावा चींटियों को चीनी खिलाना बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आपको बहुत सारी चींटियां एक जगह पर दिखाई दे दे तो आपको उन्हें कभी भी मारना नहीं। आप चींटियों को वहां से हटाने के लिए उन पर कुछ बूंद सरसों की तेल की डाल दीजिए, इससे वो खुद ब खुद चली जाएंगी। या फिर उन्हें पिसी हुई चीनी आटे में मिलाकर जरूर डालिए, इससे कुंडली में होने वाले दोषों से आपको निजात मिलेगी और साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा भी बरसे। तो दोस्तों, ये थे गुरुजी के बताए हुए चींटियों से जुड़े हुए कुछ खास